एनसीएल मानिक सरदार 2018 का जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें चार पांच आपको आज दो हम वीडियो भेजेंगे, चार पांच बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें भी रहेगी, कुछ इजी चीज रहेगी, ठीक है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें रहेगी दोनों वीडियोस में, दोनों को ध्यान पूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, गोप इन रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू, मतलब माइनिंग में गोप किससे संबंध रखता है, ओपन कास्ट वर्किंग से, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट, डीवी लिखा मतलब डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट, और तीसरा ऑप्शन दिया है अंडरग्राउंड डिपीलेरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो गोप को समझना होगा तब ना इसका डेफिनेशन दे पाएंगे। डेवलपमेंट में क्या करते बाबू, जब हम अंडरग्राउंड में डेवलपमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं किसको, डेवलपमेंट का मतलब होता है रास्तों का निर्माण करना, गैलरीज बनाना, और जब हम गैलरीज बनाते हैं तो पिलर अपने आप बन जाता है, ठीक है, पिलर फॉर्म नहीं करना पड़ता, गैलरीज जब बनाते हैं तो पिलर अपने आप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अंडरग्राउंड में गैलरीज बनाना ताकि हम प्रॉपर्टी में एंटर कर सके, वहां जाके काम कर सके, इसके लिए जो रास्ता हम बनाते, रास्तों का जो नेटवर्क बनाते, वो डेवलपमेंट हुआ। और जब रास्तों का नेटवर्क हो गया, पैनल बना लिए हमने दो चार पांच हमारे माइंड में, तब तो हम क्या करते हैं, डिपमोज साइट से कोल को पिलर से निकालते हैं। अब पिलर से कोयला निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं डिपिलरिंग, क्या बोलते हैं, डिप्लेरिंग, एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर इज नोन एज डिप्लेरिंग। पिलर से कोयला निकालना या पिलर को छोटा कर दे रखकर, अब उधर डिप्लेरिंग के मेथड पड़े हैं कि पूरा का पूरा कभी पिलर नहीं निकालते हैं, ठीक है, वो बात की बात है, उधर टेक्नोलॉजी में हम जब बताएंगे तब बताएंगे। तो पिलर से कोयला निकालना या पिलर के पार्ट को रिडक्ट कर देना, कम कर देना, छोटा कर देना, कोयला निकाल लेना, ये फाइनल ऑपरेशन होता है माइनिंग का। और जब हम कोयला निकाल लेते हैं तो कोयला निकालने से क्या बनता है, खाली जगह बनता है, उस खाली जगह को हम गोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोप बोलते हैं। तो गोप का डेफिनेशन देखते हैं, हम गोप के डेफिनेशन में तीन बात है बाबू, गोप के डेफिनेशन में तीन बात है, कितनी बात है, तीन बात, ठीक है। गोप मीन्स एनी पार्ट वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, वर्किंग प्लेस नहीं बोले, वर्किंग्स बोले, अभी हम वर्किंग प्लेस और वर्किंग दोनों को आपको समझा देंगे तब आपको समझ आए, क्या बोला गोप, तब यहां फिर से गोप नहीं था, मीन्स लिख दे रहा हूं, हाँ मतलब मैं क्या लिखा समझ जाने, यहां पे जहां मैं उंगली रखा लिखा है गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, एक बात हुआ, गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, बिलो ग्राउंड के किसी भी वर्किंग का एक कोई पार्ट है, ठीक है। आगे देखिए जहां से मेन डिफरेंस चालू था, वेयर फ्रॉम मतलब जहां से, वेयर फ्रॉम मतलब जहां से, वेयर फ्रॉम ए पिलर आर पार्ट देयर ऑफ, पार्ट देयर ऑफ कमा, ठीक है, पहले समझाते हुए लिख लेता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। वेयर फ्रॉम ए पिलर आर पार्ट देयर ऑफ आर इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग, आर यही कर देते हैं, आर आर इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग आर इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग्स, फिर यहां कमा कीजिए, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, फिर नीचे में क्या, बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, बट विच इज नॉट
ए वर्किंग प्लेस। क्या बोला बाबू? अब इसको समझिए, कई बार इसी को समझने में आदमी गलती करता। क्या बोला? गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, ये बिलो ग्राउंड का कोई वर्किंग्स है, ठीक है। क्या बोलता जी? वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट देयर ऑफ, जहां से कि एक पिलर को, मतलब पिलर या पिलर के किसी भाग को से आगे, यहां लिखा है देखिए, यहां कामा के, यहां कामा है, उसका कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, पिलर या पिलर के किसी भाग से कोयला को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, आर इन द केस ऑफ लांगवाल वर्किंग्स कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, या लांगवाल के केस में वहां तो पूरा का पूरा हम लंबा का लंबा पैनल रहता, उससे कोयला जो है निकाल लेते, तो ये कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड जो वर्ड है ये दोनों केस के लिए, क्योंकि बोर्ड एंड पिलर से हम वर्किंग करते हैं और लांगवाल से, तो बोर्ड एंड पिलर में पिलर वाली बात आता बोर्ड, तो ये जो कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एक के लिए नहीं है, वो लांगवाल के लिए भी है और बोर्ड एंड पिलर के लिए भी। यही बात बच्चा लोग रेगुलेशन को समझने में गलती कर देता, ठीक है। क्या बोलो? वेयर फ्रॉम, इसका मतलब क्या हुआ? वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, या कोल को ऐसा कर दिया, हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, जहां से पिलर या उसका कोई भाग को क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, या इन द केस ऑफ लांगवाल वर्किंग्स, यहां पे कम होगा, कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, या लांगवाल के केस में कोयला को हम निकाल लिए, बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, लेकिन वो वर्किंग प्लेस नहीं है, वर्किंग है बट वर्किंग प्लेस नहीं है। क्या बोल रहा है? वर्किंग है वो, कोई अंडरग्राउंड बिलो ग्राउंड पार्ट का वर्किंग हो सकता है बट वर्किंग प्लेस नहीं है। अब बता रहे वर्किंग क्या होता है और वर्किंग प्लेस क्या होता है, जब ना देखिए यहां ऊपर लिखा है, गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, बट यहां लिख रहा है बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, गोप वर्किंग प्लेस नहीं है, तो वर्किंग प्लेस किसको बोलते? वर्किंग प्लेस माइंड के उस हर जगह को आप बोल सकते जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है, ठीक है। तो क्या गोप में किसी जाने का कानूनन अधिकार है? नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए वर्किंग प्लेस। तो वर्किंग प्लेस का इसका जो पहले हम बताए थे, फिर यहां पे वर्किंग प्लेस का डेफिनेशन लिख देते हैं। तो गोप क्या हुआ? गोप अंडरग्राउंड डेवलपमेंट में जब रास्ता बनाते तो ये गोप हुआ नहीं, ओपन कास्ट वर्किंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपका डिप्लेरिंग जब हम करेंगे, कोयला जब निकालेंगे, तभी गोप बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अंडरग्राउंड डिप्लेरिंग। तो अब यहां पर दो वर्ड आए हैं, ख्याल रखिए, गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, वेयर फ्रॉम ए पिलर और पार्ट देयर ऑफ आर इन द केस ऑफ लांगवाल वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, ऐसा लिखा है यहाँ पे, यही नहीं लिखा मैंने अभी। तो यहाँ पे ये क्या बोलेगा? वर्किंग गोप वर्किंग प्लेस नहीं है बट इट इज ए पार्ट ऑफ वर्किंग। तो वर्किंग क्या होता है और वर्किंग प्लेस क्या होता है, ये भी डेफिनेशन आपके रेगुलेशन में दिया हुआ, तब ना हमको समझ आएगा। तो बोलेंगे यहाँ वर्किंग प्लेस लिखा, यहाँ वर्किंग लिखा, पूछो नहीं बुझा रहा जी, नहीं बुझाएगा, रुकी जरा। हाँ बाबू, वर्किंग प्लेस क्या है बोला ना, और वर्किंग, ये दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है, लेकिन हम लोग इन दोनों को एक साथ घुसा देते तो समझ नहीं आता। देखिए हम क्या बोला, वर्किंग प्लेस माइंड का कोई भी भाग हो सकता है जहां पर किसी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार है, ठीक है। मतलब क्या हुआ? वर्किंग प्लेस means any place in a mind, means any place in a mind, मतलब working place क्या, mind का कोई भी वो भाग हो सकता है, to which, जिसमें कि, to which जो हिंदी नहीं अंग्रेजी नहीं समझते उनके लिए, to which जिसमें कि, to which any person, to which any
पर्सन हैज लॉफुल, लॉफुल मतलब कानूनी, लॉफुल एक्सेस वर्किंग प्लेस, उस जगह को बोलते हैं जहां पर किसी भी आदमी को जाने का कानूनन अधिकार है। लेकिन गोप के डेफिनेशन क्या लिखा था, गोप इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, गोप वर्किंग प्लेस नहीं है, तो गोप के अंदर किसी भी व्यक्ति को जाने का कानूनन अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां से हम कोयला निकाल लिए, सपोर्ट को भी विड्रॉल कर लिए होते हैं, कभी भी वहां कोलैप्स हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत घातक स्थिति पैदा करेगा। तो गो फेज में क्या करते हैं, हम स्किन टू स्किन सपोर्ट लगा के रख देते हैं ताकि आदमी अंदर ना जाए, और वो जो स्किन टू स्किन सपोर्ट लगाते हैं, स्ट्रांग गो फेज सपोर्ट लगाते हैं, वहां से ब्रेकेज रूप को ब्रेकेज होने के लिए एक ब्रेक लाइन मिलता है, और वो जो ब्रेक लाइन मिलता है जिसके चलते जहां केबिन करते हैं वहां पर गोप टूट के खाली जगह में गिर जाता है। यदि नहीं गिरता है गोप तो एयर ब्लास्ट का तो खतरा होता ही है, ओवर राइडिंग का भी प्रॉब्लम होता है। ओवर राइडिंग क्या होता है वो मेरे बोर्ड एंड पिलर वाले वीडियोस में जाके देखिएगा कि वर्किंग क्या है। यदि वर्किंग का भी वर्ड बोला तो दिमाग में लाना एक्सकावेशन, क्या वर्ड लाना, एक्सकावेशन। वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन। ओपन कास्ट वर्किंग का भी जब डेफिनेशन आप देते हैं तो उसमें क्वारियर एक्सकावेशन वर्ड आता है, ठीक है। ये वर्किंग क्या है, वर्किंग का मतलब क्या है, ये वर्किंग अंडरग्राउंड ओपन कास्ट दोनों के लिए, वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन। क्या बोला, वर्किंग बोला तो दिमाग में क्या लाइएगा, एक्सकावेशन। वर्किंग प्लेसेस का कोई लेन देना नहीं, ठीक। वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन, ये वर्ड याद रखिएगा। वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन, कोई एक्सकावेशन है, क्या एक्सकावेशन है, हम कोयला को निकालने के लिए या कोयला को सर्च करने के लिए कि कोयला है कि नहीं इस जगह में, जो प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन हम करते हैं उसके लिए, या कोयला निकालने के लिए, जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग करते हैं क्या करते हैं, हम कोयला निकालते हैं, ऑब्टेनिंग कोल बोलते हैं उसी को अंग्रेजी में। तो हम जो कोयला निकालने के लिए या कोयला है या नहीं है उसको सर्च करने के लिए जो कोई खुदाई किया, हमने खुदाई किया या खुदाई किया जा रहा है, ऐसी खुदाई को हम बोलते हैं, खुदाई मतलब एक्सकावेशन को हम बोलते हैं वर्किंग। तो गोप में क्या बोले थे आप, गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, ऐसा बोला था कि नहीं, गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग्स बिलो ग्राउंड, मतलब बिलो ग्राउंड माइन का कोई वर्किंग्स, वर्किंग्स क्या हुआ, वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन, कोई भी एक्सकावेशन, मेड आर बीइंग मेड, मेड आर बी मेड इन अ माइन, इन ए माइन फॉर सर्च ऑफ, सर्च ऑफ आर ऑबटेनिंग कोल, ऑबटेनिंग कोल। देखिए वर्किंग क्या, वर्किंग मीन्स एनी एक्सकावेशन मेड आर बीइंग मेड इन अ माइन फॉर सर्च ऑफ आर ऑबटेनिंग कोल, ये एक्सकावेशन है। चाहे आप कोयला को पाने के लिए किया हो, कोयला निकालने के लिए किया हो, या कोयला का पता लगाने के लिए किया गया खुदाई। तो आपने गोप जो बोला वहां क्या बोला, पहला लाइन गोप मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, वर्किंग प्लेस नहीं बोला, एनी पार्ट ऑफ वर्क, खुदाई किया कि नहीं आपने, मेड आर बीइंग मेड मतलब खुदाई किया है, या खुदाई बीइंग मेड मतलब खुदाई किया जा रहा है, खुदाई किया गया है या खुदाई किया जा रहा है, ऐसे हर एक्सकावेशन को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग। तो गोप के अंदर से, गोप जहां था वहां से हमने क्या किया, एक्सकावेट कर लिया कोयला को, इसलिए उसको वर्किंग्स बोल रहे। बट नीचे क्या लिखा था लास्ट लाइन में, इट इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, लेकिन वो वर्किंग प्लेस नहीं है। और वर्किंग प्लेस उस जगह को बोलते हैं जहां पर किसी को भी जाने का लॉफुल एक्सेस है, मतलब कानूनन अधिकार है। तो गोप के अंदर किसी को भी जाने का कानूनन अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा इट इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, जबकि वर्किंग प्लेस के एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस,
जहां पर किसी भी आदमी को जाने का कानूनी अधिकार है। तो अब गोप का डेफिनेशन को समझने के लिए ये दो डेफिनेशन भी समझना जरूरी है, और ये दो डेफिनेशन समझ आ गया तो फिर आप लोगों को गोप भी समझ आया। गोप में क्या बताया था, गोप मीन्स एनी पार्ट वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर फ्रॉम ए पिलर आर पार्ट देयर ऑफ आर इन द केस ऑफ लॉन्गवाल वर्किंग कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच इज नॉट ए वर्किंग प्लेस। और गोप कब, गोप शब्द कब हमारे माइनिंग में प्ले में आएगा, जब हम डिप्लेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 20, दिस इज नॉट एन ओपन कास्ट मशीन, कुछ नहीं पूछा, छोटा सा चीज पूछा ये। इसके ऊपर हम 2018 का जूनियर वॉरमैन वाले में बहुत कुछ बताया कि कौन कौन से ओपन कास्ट में मशीन होता है, अंडरग्राउंड में कौन सा होता है ये भी बताए थे। तो अब यहां बोला कि दिस इज नॉट एन ओपन कास्ट मशीन, ओपन कास्ट में कौन सा मशीन उपयोग नहीं होता। यहां पे आपको चार ऑप्शन दिया, क्रेन, टायर हैंडलर, एसडीएल और फोर्क फिल्टर। ठीक है, तो एसडीएल एलएसडी कहां का मशीन, अंडरग्राउंड का, तो एसडीएल इसका आंसर हो गया। एसडीएल एलएसडी कंटिन्यूस माइनर गैदरिंग आर्म लोडर शेयरर पलाऊ ये सब कहां का हो गया, अंडरग्राउंड का हो गया। ओपन कास्ट का तो हम चार टाइप के मशीन बताए हैं आप लोग को, एक्सकावेटर्स, ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट, रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट और ड्रिल, और इनका बहुत बार चर्चा हो गया है इसलिए यहां पे आप चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एसओपी इन माइनिंग, एसओपी हम यहां लिखते लिखते एक और छोड़ दे, दो टाइप का एसओपी होता है माइनिंग में जो हम एसओपी इस्तेमाल करते हैं उसका फुल फॉर्म पूछा, चार को गलत गलत एक सही ऑप्शन दिया, तीन को गलत दे दिया। तो हम यहां सीधा लिख दिया, एसओपी का माइनिंग में मतलब होता सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर सुरक्षित कार्यविधि। ठीक है, लेकिन एक और एसओपी होता है जो कि हमारे सीधे काम से संबंधित, कोई ये है सीधा काहे के लिए, सेफ्टी से संबंधित यदि आपका एसओपी बना है तो उसको बोलते हैं सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर। लेकिन कोई मेथड को डिस्क्राइब करना है जो ह्यूमन के लिए हो सकता है तब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर, उसको भी एसओपी बोलते हैं। जैसे एक्सप्लोसिव का बिल किस दिन में पास हो जाना चाहिए उसके लिए एसओपी बना कि किस वो 21 दिन को बांट दिया कितना दिन में ये बिल क्लियर करेगा, उसके बाद ये स्टेज में क्लियर होगा, ये क्लियर होगा और 21 डेज में जो हमारा सप्लायर है उसके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर है। ठीक है, लेकिन माइनिंग में एसओपी का मतलब, वो भी माइनिंग का ही काम है लेकिन वो सेफ्टी से रिलेटेड नहीं है। अब माइनिंग का मतलब है कि हम सेफ्टी से रिलेटेड है, तो एसओपी का माइनिंग में क्या मतलब होता है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाटर डेंजर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय, अरे भैया प्लान कौन बनाएगा, सर्वेयर बनाएगा, यही दो चार चीज पूछा है कि सिविल इंजीनियर बनाएगा, माइनिंग सर्वेयर बनाएगा, सिविल सर्वेयर बनाएगा, माइनिंग सर्वेयर बनाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक जगह फंसा दिया, यहां पर एक चीज में आपको फंसा दिया, क्या दिया वर्ड, बी में दिया माइनिंग सर्वेयर और सी में दिया माइन सर्वेयर। तो माइनिंग सर्वेयर का इन वर्ड पढ़े, इतने दिन में माइनिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब तो नौकरी के लिए जा रहे हैं। माइनिंग सर्वेयर नहीं होता, माइन सर्वेयर होता है। क्या होता है माइन सर्वेयर, तो वाटर डेंजर प्लान या कोई दुनिया का प्लान बनाएगा माइन से संबंधित, उसको कौन बनाएगा, माइन सर्वेयर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्वालिफिकेशन का पूछा है कि कोयला निर्माण का क्रम क्या, क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कोयला किस ऑर्डर में बना, तो उसके लिए ये भी हम करवा चुके 2018 एनसीएल जूनियर वॉरमैन में,
हम एक फार्मूला बताए थे पी एल बी ए, पी एल बी ए क्या बोला बाबू, पी एल बी ए, पी एल बी ए क्या होता है, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंड एंथ्रोसाइट्स, जो नया बच्चा लोग है उसको देख लेगा। क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि आरएफ का संबंध किससे होता है, आरएफ जो होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का, ये किससे संबंध रखता है। आप लोग को रेगुलेशन 64 बताए थे, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लांट्स बताए थे ना, याद है, उसमें क्या बताए थे कि माइन प्लान का एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा वो 2000:1 आर 1000:1 होगा, बताए थे ना आरएफ कितना, बताए थे माइन प्लान का 2000:1 आर 1000:1। यही आपका यदि कभी आंसर लिखा कि माइन प्लान किस आरएफ पे बनाते हैं तो 2000:1 आर 1000:1, तो ये माइन प्लान से संबंध रखता है आरएफ। वही पूछा कि आरएफ का संबंध किससे, तो माइन प्लान से, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज बताए थे 64 में, वहां देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है माइन के डेफिनेशन संबंधित है, तो माइन क्या चीज होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक है।